गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप ऑल आर वेल। बहुत दिनों के बाद आप सबको मुखातिब हो रहे हैं। बीएससी पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों को न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो वीडियोस अपलोड किए गए थे, आशा करता हूं कि ये सब वीडियोस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने पढ़ाई की होगी और अब तक ये सारे वीडियोस से आप ये कर चुके होंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस के। जो अब तक इनवर्स इंटरपोलेशन तक हम बात कर चुके हैं, इक्वल इंटरवल पे हम लोग बात कर चुके हैं, अनइक्वल इंटरवल की भी हम बात कर चुके हैं और इनके फॉर्मूलोज के बारे में भी बात कर चुके हैं। हमारे जो इक्वल इंटरवल्स के हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस और थर्ड ईयर मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों को न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमने फर्स्ट इक्वल इंटरवल के इक्वल समान अंतराल पर दो फॉर्मूले पढ़े थे हमने, न्यूटन गैगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला और न्यूटन गैगरी बैकवर्ड फॉर्मूला। हम जानते हैं कि फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल्टा एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स एंड बैकवर्ड ऑपरेटर ई एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच एंड ई ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच एंड आई ऑपरेटर आई एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ये चार ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे। ये समान अंतराल पे हमारे पास चार ऑपरेटर्स हैं। देन हमने डेल्टा ऑपरेटर, डेल्टा इक्वल्स टू ई रेस टू हाफ माइनस ई रेस टू माइनस हाफ एंड न्यू ऑपरेटर वन अपॉन टू ई रेस टू हाफ प्लस ई रेस टू माइनस हाफ। ये दो ऑपरेटर्स हमने सेंट्रल डिफरेंस के पढ़े थे। पीछे के वीडियोस से हम लोग रिकॉल करेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे वीडियोस में कि इनका मीनिंग क्या है और इनके बारे में हम क्या क्या बात कर चुके हैं, इनके इन पर बेस्ड क्या फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूलेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नाउ मैं कुछ फॉर्मूलेज वापस लिख रहा हूँ। ये समान अंतराल पर हमारे पास ये दो फॉर्मूले थे, न्यूटन गैगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला और न्यूटन गैगरी बैकवर्ड फॉर्मूला। फिर हमने अगला जो चैप्टर पढ़ा था वो चैप्टर था हमारा इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल। थर्ड नंबर चैप्टर जो था अगला हमारे पास था फॉर अनइक्वल इंटरवल पर हमारे पास दो फॉर्मूले थे, असमान अंतराल। इसमें दो फॉर्मूले थे। पहला फॉर्मूला था लैग्रैन्जिस फॉर्मूला और सेकंड था न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। ये सेकंड जो नंबर थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला है ये असमान अंतराल पे, मींस यदि अपने पास एक एक्स गिवन है, इस एक्स पे जो अंतराल है एक्स की वैल्यूज का ए प्लस एच ए प्लस टू एच ए प्लस थ्री एच अप टू ए प्लस एन एच, तो इसके करस्पॉन्डिंग एफ एक्स की वैल्यूज थी और ये हमारे पास इक्वल इंटरवल पर इनकी वैल्यूज को दिया गया है। इक्वल इंटरवल पर समान अंतराल पे इन वैल्यूज को लिया गया है, दिस इज योर एक्स। फिर असमान अंतराल पे इनकी वैल्यूज का अंतर, इन दो लगातार दो वैल्यूज का अंतर यदि असमान हो तो उसके लिए हम लोग असमान इक्वल इंटरवल के ये दो फॉर्मूले काम में लेते हैं। थर्ड हमारा था सेंट्रल डिफरेंस कहते हैं केंद्रीय अंतर्वेशन मीन्स हमारे पास जो इंटरवल आपको गिवन है ये समान अंतराल पर केंद्रीय अंतर्वेशन के मान ज्ञात किए जाते हैं। इसमें हमारे पास क्या, यदि स्टार्टिंग में ये पहले जो फॉर्मूले दो हैं, यदि स्टार्टिंग में न्यूटन के अपनी फॉरवर्ड फॉर्मूला और यदि नीचे से जो हमें वैल्यूज दी हुई हैं, यदि शुरुआत के अंदर हमारे को वैल्यूज अननोन वैल्यूज को निकालना हो, ज्ञात मान निकालना हो, तो हम न्यूटन के अपनी फॉरवर्ड फॉर्मूला काम में लेते हैं और यदि नीचे से अंतिम वैल्यूज में से कोई असमान अंतराल का मान निकालना हो तो न्यूटन के अपनी बैकवर्ड फॉर्मूला काम में लेते हैं। असमान के लिए इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। यदि सेंट्रल में, यदि अपने पास क्या है कि सेंट्रल वैल्यूज के बीच में कोई अननोन हो, केंद्रीय मानों में यदि अननोन है, तो इसके लिए हमारे पास तीन फॉर्मूले चार फॉर्मूले हैं,
बॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला, बॉस बैकवर्ड फॉर्मूला, फिर बेसल फॉर्मूला और स्टिर्लिंग फॉर्मूला। ये चार फॉर्मूले हैं केंद्रीय अंतर्वेशन या मध्यमान मानों को ज्ञात करने का, ज्ञात करने के। मध्यमान जो मान दिए गए हैं, इन मानों में से किसी अज्ञात मान का ज्ञात, मान ज्ञात करना हो, उसको कहते हैं सेंट्रल रेफरेंस या केंद्रीय मध्य, केंद्रीय वैल्यूज में से आप इनका मान ज्ञात करना, उसको कहते हैं हम सेंट्रल रेफरेंस। तो हमने अब तक क्या किया कि इक्वल इंटरवल के दो फॉर्मूले, अनइक्वल इंटरवल के दो फॉर्मूले और सेंट्रल रेफरेंस के चार फॉर्मूले, और इन फॉर्मूलों के लिए जो ऑपरेटर्स काम में ले रहे हैं वो ऑपरेटर्स आपके पास ये फॉरवर्ड ऑपरेटर, बैकवर्ड ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर ई से डिनोट करते हैं, आईडेंटिटी ऑपरेटर आई एफ एक्स, और डेल्टा और म्यू, ये डेल्टा और म्यू सेंट्रल डिफेंस में हमारे काम में आते हैं। नाउ टुडे हम लोग जो पढ़ेंगे आज, आज हम फॉर्मूलों का डिफरेंशिएशन करना। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट डिफरेंशिएशन ऑफ ए एनी फॉर्मूला ऑफ ए, जैसे लेट अस सपोज वी हैव न्यूटन गैलेरी फॉरवर्ड फॉर्मूला, उसका डिफरेंशिएशन करके डी वाई बाई डी एक्स और सेकेंड ऑर्डर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के मान ज्ञात करना। इंटरवल वैसा का वैसा होगा, समान अंतराल पे हम लोग उसी तरीके से हमारी फॉरवर्ड टेबल बनेगी, बैकवर्ड टेबल बनेगी और वैल्यूज को हम उसी तरीके से लेंगे, लेकिन हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो दिए गए फॉर्मूले का, दिए गए फॉर्मूले का हम लोगों को अवकलन ज्ञात करते हुए उसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट करेंगे और उसको कहते हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। तो हम इन्हीं फॉर्मूलों को डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे वो समझाता हूँ। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के लिए हमें जो फॉर्मूला गिवन है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें उसका डिफरेंशिएशन करना होगा और उसका मान निकालना होगा, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला बना के और फिर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो टुडे वी हैव चैप्टर इज न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन मीन्स दिए गए फॉर्मूले का अवकलन ज्ञात करना, दिए गए फॉर्मूले से उसका मान ज्ञात करना। लेट अस सपोज हमारा पहला फॉर्मूला जो था न्यूटन ग्रेवी फॉरवर्ड फॉर्मूला, न्यूटन ग्रेवी फॉरवर्ड फॉर्मूला, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला वाई ऑफ यू इक्वल्स टू वाई जीरो प्लस यू सी वन डेल्टा वाई जीरो या एफ ऑफ ए प्लस यू सी टू डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए या वाई जीरो की फॉर्म में लिख लो, एफ ऑफ ए की फॉर्म में लिख लो, प्लस यू सी थ्री डेल्टा क्यू एफ ऑफ ए प्लस यू सी फोर, यू सी फोर डेल्टा फोर एफ ऑफ ए एंड सो ऑन, वेयर यू इक्वल्स टू हम जानते हैं एक्स माइनस ए एफ ऑन एच, ये अपने पास यू का मान है। अपन ये जानते हैं फॉर्मूला u equals to x minus a या x0, a is the first term और चाहो तो आप x0, this is the numerical values है, x corresponding, this is your x0, again अगली जो value होगी वो x0 plus h, x0 plus 2h up to x0 plus nh, तो ये x की values हैं, तो u का मान निकालने के लिए x is unknown, x minus x0, x0 is the first term, h समान अंतराल, इनका अंतराल समान अंतराल पे दिए गए मान है। अब ये dy by dx निकालने के लिए हमें क्या है, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो u में है, u इन टर्म्स ऑफ x, सो हम लोग चेन रूल, वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy by dx, सो dy by dx du, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा u में है और u इन टर्म्स ऑफ x, सो du by dx, dy by du और du by dx, दिस इज योर चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये हमारे पास चेन रूल की सहायता से, क्योंकि u इज द फंक्शन ऑफ x एंड वाई इज ए फंक्शन ऑफ यू, वाई जो हमारा फंक्शन है वो यू में है, क्योंकि वाई जीरो डेल्टा वाई जीरो
डेल्टा स्क्वायर बाई जीरो एंड सो ऑन, ये सारे टर्म्स कॉन्स्टेंट्स हैं, हम जानते हैं, क्योंकि एक्स जीरो के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो वैल्यूज रहेगी, दिस इज योर वाई जीरो, दिस इज वाई वन, दिस इज वाई टू, दीज आर दी न्यूमेरिकल वैल्यूज है। और फिर अगर हम जब टेबल बनाएंगे डेल्टा, तो हम जानते हैं वाई वन माइनस वाई जीरो, इसी तरह से वाई टू माइनस वाई वन, दीज आर दी न्यूमेरिकल वैल्यूज। सो न्यूमेरिकल वैल्यूज आर दी कॉन्स्टेंट टर्म्स होती है, हम जानते हैं कि कॉन्स्टेंट टर्म होती है, इसलिए u y जो हमारा फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ u है, u इज अ फंक्शन ऑफ x, u इन टर्म्स ऑफ x। सो यूजिंग द चेन रूल वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy / dx / dy / du into du / dx, du से du कैंसिल और dy / dx बन गया। सो y of u इक्वल्स टू y0 plus u c1 मींस u डेल्टा y0 plus u u minus 1 upon factorial 2 डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो प्लस यू यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल्टा क्यूब वाई जीरो एंड सो ऑन वेयर यू इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एच। सो वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी यू, डी वाई बाई डी यू डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू यू, सो डी वाई बाई डी यू इक्वल्स टू जीरो बिकॉज वाई जीरो इज ए कॉन्स्टेंट प्लस यू सी वन मीन्स यू डेल्टा वाई जीरो मीन्स टोटल हमारा दिस इज योर कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट है u का हो गया वन प्लस यू स्क्वायर माइनस वन यू स्क्वायर माइनस यू देयरफॉर टू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस वन, देन अगेन प्लस u स्क्वायर माइनस u एंड u माइनस टू देयरफॉर u क्यूब माइनस u square, u cube minus u square minus 2u square plus 2u, so therefore u cube minus 3u square plus 2u, so iska differentiate karenge to hamare paas aa jayega 3u square minus 6u plus 2 6u upon plus 2 factorial 3 into delta delta cube y 0 and so on. Then this is dy by du. Now u equals to हम जानते हैं x minus x zero upon h, so therefore differentiate with respect to x, so du by dx equals to one upon h or a constant. So therefore we have find out the value of derivative of dy by dx with Newton-Gregory power formula. So dy by dx equals to dy by du into du by dx. So therefore du by dx is 1 upon h, du by dx is 1 upon h, and dy by du is given by delta y0 first term plus second term is 2u minus 1 upon factorial 2 delta square y0 plus 3u square minus 6u plus 2 upon factorial 3 delta cube y0 and so on. This is the first differentiation of Newton-Gregory forward formula. Newton का अगर अंतर्वेशन सूत्र का differentiate निकाल रहे हैं तो dy by dx is given by this formula. Again, when you find out the second order, d2y by dx square is similar way में हम इसको solve करेंगे तो we get 1 upon h square, first term 0, u से करेंगे तो ये आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और 2 से 2 cancel. One, so first term is delta square by zero. Means u का one हो जाएगा और u one means two से two cancel, delta square by zero एक के zero plus six u minus six upon factorial three delta cube by zero and so on. So therefore we have one upon h square delta square by zero plus u minus 1 upon 6 is 6 cancel delta cube y 0 and so on. This is the second order d2y by dx square of Newton-Gregory forward formula. Here first, हमारे पास ये first is given by this, second is given by this. So this is your differentiation of Newton-Gregory forward formula. Now using the same method, using the table, forward table, and find out the value of
delta square, delta cube, and find out the value of u in terms of x minus x0 upon h, where x is unknown, x0 is the first term, h is the common difference. So you have put the values, all of these values we are putting by the table, and we find out the value of dy by dx and d2y by dx square. So हम इसकी सहायता से किसी भी फॉर्मूले को डिफ्रेंशिएट करके dy by dx और d2y by dx निकाल सकते हैं. और आप इसके अंदर प्रैक्टिस करने के लिए इसमें और क्वेश्चंस हैं किताब में, उन क्वेश्चंस को करना. और इसके साथ ही जैसे न्यूटन के एग्री फॉरवर्ड फॉर्मूले का मैंने किया है, सिमिलर वे में आप न्यूटन के एग्री बैकवर्ड फॉर्मूला कर सकते हैं. फिर अनइक्वल के लिए लैग्रांजेस फॉर्मूला, फिर न्यूटन डिवाइडेड फॉर्मूला, अनइक्वल के लिए असमान अंतराल के लिए न्यूटन डिवाइडेड फॉर्मूला और लैग्रांजेस फॉर्मूला. और उसके बाद सेंट्रल डिफरेंस के देखने हैं तो गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला, गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला, बेसल फॉर्मूला एंड स्टर्लिंग फॉर्मूला, ऑल दीज फॉर्मूलेज को हम यूज करते हुए इनका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. अब इसमें क्वेश्चंस करने हैं, अगले वीडियो में इसके क्वेश्चंस कराऊंगा.